तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्री फायर गेम के अंदर खुद का गिल्ड कैसे क्रिएट कर सकते हो, यानी खुद का गिल्ड कैसे बना सकते हो। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं पर भी आप इस वीडियो को स्किप मत करना, जिससे कि आपके यहाँ पर प्रॉब्लम हो गिल्ड क्रिएट करने में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ होती हैं जो गिल्ड क्रिएट करते वक्त आपके यहाँ पर भरनी पड़ती हैं। तो कहीं पर भी आप इस वीडियो को स्किप मत करना, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वैसे तो, और आपको प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपके समझ में आएगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यहाँ पर छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। इससे होगा क्या, जब भी फ्री फायर के अंदर कौन सा भी इवेंट हो गया, रिडीम कोड हो गया, या किसी भी नई प्रकार की जानकारी आती है तो उसकी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो आपके इसके अंदर खुद का गिल्ड कैसे ज्वाइन करना है, तो आपके यहाँ पर गिल्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, जो तीसरे नंबर पर है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हो, ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। आने के बाद नीचे आपको ये ऑप्शन शो कर जाएगा, क्रिएट गिल्ड, तो आपके यहाँ पर इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हो, ये कुछ इस प्रकार से आएगा। तो अब आपके यहाँ पर ध्यान से समझना है कि इसके अंदर आपके यहाँ पर करना क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, चेंज गिल्ड बैच। तो आपको सबसे पहले अपना बैच चेक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दो बैच मिलेंगे, और जो बाकी के दो बैच हैं, जब आपका लेवल बढ़ेगा तो ये दोनों बैच ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे। अभी यहाँ पर लॉक हैं, बाद में ये अनलॉक हो जाएंगे जैसे ही आपका गिल्ड का लेवल बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लोगो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप अपने गिल्ड का रखना चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने ये लोगो सिलेक्ट कर लिया पहले तो। तो यहाँ पर हमने अपना लोगो सेट कर लिया। लोगो सेट करने के बाद आपको बाहर आना है। बाहर आने के बाद आपके यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, स्टाइल का दिखाई देगा, अप्रूवल का दिखाई देगा, लेवल का दिखाई देगा, बीआर रैंक का दिखाई देगा, सीआर रैंक का दिखाई देगा। तो ये सारे ऑप्शन अभी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हैं, तो आपको इनके अंदर क्या क्या सेटिंग करनी है वो आपको बता देता हूँ। पहले वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिखाई देगा डिफ़ॉल्ट। तो इसके अंदर आपसे यहाँ पर क्या मांगते हैं, आपके यहाँ पर कंट्री मांगते हैं, यानी आप किस कंट्री के हो। तो यहाँ पर कई सारी कंट्री दिखाई देंगी, नेपाल दिखाई देगा, इंडिया दिखाई देगा, तो हम यहाँ पर इंडिया से, तो इंडिया के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप भी जहाँ पर हो आप वहाँ उसके ऊपर क्लिक कर लेना। इंडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद बगल में ऑप्शन आ जाएंगे, इंडिया के अंदर आप कहाँ पर हो, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जहाँ से भी हो आपको वो जगह सेलेक्ट कर लेनी है। तो हम यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर हमें मिल जाएगा उत्तर प्रदेश, तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारा यहाँ पर आ चुका है, हम कहाँ से हैं, तो उत्तर प्रदेश से हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टाइल का ऑप्शन आएगा दूसरा वाला, तो ये भी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होगा, तो आपके यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से आएगा, तो आपसे यहाँ पर इसका डिफ़ॉल्ट पूछेगा, यानी रैंकिंग अब दिखाई देगा या कई सारे कोड दिखाई देंगे, यानी तो आपके यहाँ पर रैंकिंग अब के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है, तीसरे वाले ऑप्शन के ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन दिखाई देगा, अप्रूवल मेथड, यानी इससे होता क्या है, तो आपसे यहाँ पर जो आपका गिल्ड बनाया है उस गिल्ड के अंदर आपसे कोई अप्रूवल ले तब ज्वाइन हो, या ऑटोमेटिक कोई भी ज्वाइन हो सकता है। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला अप्रूवल और दूसरा आपको दिखाई देगा ऑटो का। तो आपकी जो मर्जी हो आप उसके ऊपर सिलेक्ट कर लें। अगर आप चाहते हो कि आपके गिल्ड के अंदर कोई ज्वाइन हो तब आप उसे परमिशन दें तब ज्वाइन हो, तो आपके यहाँ पर अप्रूवल के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हो कि आपके गिल्ड के अंदर कोई भी ज्वाइन हो सके तो आपके यहाँ पर ऑटो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं ऑटो के ऊपर ही क्लिक रहने दूंगा अभी, ठीक है, क्योंकि हमारे गिल्ड के अंदर जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा होगा, तो हम यहाँ पर ऑटो पर छोड़ देंगे। तो उसके बाद आपके यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा लेवल का, तो लेवल वाला ऑप्शन अभी डिफॉल्ट होगा, तो आपके यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कई सारे लेवल आएंगे, इनसे होता क्या, लेवल वाले ऑप्शन से आप यहाँ पर एक लेवल सेट करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं 40 या 50 लेवल सेट कर दूंगा, तो उसके अंदर वही लोग ज्वाइन हो पाएंगे जिनका लेवल 50 से ऊपर है। तो आपके यहाँ पर अपना लेवल सेट कर लेना है कि इसके अंदर कौन से लेवल के बंदे ज्वाइन हो सकें। तो उसके बाद आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद बी आर रैंक दिखाई देगा, तो आपको इसमें भी यही पहुँचा जाएगा। तो हमारे जो गिल्ड के अंदर ज्वाइन हो रहे हैं, यानी हमारा 40 से ऊपर तो लेवल है, लेकिन अगर आपके यहाँ पर रैंक कम हुई तब भी आप इसके अंदर ज्वाइन ना कर पाओगे। अगर मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा हीरो के या डायमंड, तो इसके अंदर वही लोग ज्वाइन कर पाएंगे जिनकी रैंक यहाँ पर डायमंड होगी। तो आप यहाँ पर कुछ भी सेट कर लें जो आपकी मर्जी हो। उसके बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन और मिलेगा सी आर रैंक का, यानी बी आर रैंक का मतलब है बारमुंडा रैंक, और सी आर रैंक का मतलब है क्लासिक स्कैड रैंक। तो क्लासिक स्कैड रैंक में भी आपसे यहाँ पर यही पूछेगा आप यहाँ पर क्या सेट करना चाहते हो, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, हीरोइक, तो भी आप अपने हिसाब से सेट कर लेना अगर आप यहाँ पर क्या रखना चाहते हो। तो इसके अंदर भी मैं यहाँ पर डायमंड रखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं इसमें प्लेटिनम छोड़ दूँगा, ठीक है, आप भी कुछ ना कुछ सेट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और पूछेगा वेलकम, यानी आप यहाँ पर कुछ सेट करना चाहते हो, जैसे कि कोई आपके कस्टम में ज्वाइन हो, तो अगर आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हो उसके वेलकम के लिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूँगा बस ऑटोमेटिक वेलकम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वेलकम माई गिल्ड, तो यहाँ पर बस वेलकम छोड़ दे रहा हूँ, और आप भी जो मर्जी हो वो यहाँ पर सेट कर देना। बस यहाँ पर मैं इतना ही कर रहा हूँ। इतना करने के बाद आपसे यहाँ पर एक ऑप्शन और पूछेगा, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर सेट कर दी है, बस आपको इसके अंदर ये सेट करना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछेगा आप अपने गिल्ड का नाम क्या रखना चाहते हो, लिखा स्क्वाड नेम, तो आप यहाँ पर गिल्ड का क्या नाम रखना चाहते हो, तो वो नाम यहाँ पर सेट कर दें। तो यहाँ पर मैं सेट कर दूँगा, आपकी जो मर्जी हो वो सेट कर दें, जो भी आप रखना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं सेट करूँगा आर्या गेमिंग
हेल्पर, ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं आ रहा, कुछ ही अक्षर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पर मैं आर्या गेमिंग कर दूंगा। उसके बाद ये यहाँ पर मैंने अपने गिल्ड का नाम सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद अब हमने इसके अंदर सारी चीज़ सेट कर दी है। सेट करने के बाद नीचे अब आपके यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला 5000 कॉइन मांगेगा, दूसरा आपके यहाँ पर 1000 डायमंड मांगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी 1000 डायमंड खर्च नहीं करने वाला गिल्ड बनाने के लिए। तो आपके पास यहाँ पर 5000 कॉइन पड़े होंगे, तो आपके यहाँ पर कॉइन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर कॉइन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा है, गिल्ड नेम कनेक्टेड टू स्पेस, यानी मुझे यहाँ पर स्पेस नहीं देना है। आप भी यहाँ पर स्पेस मत देना, अगर आप स्पेस दोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं दिया मैंने, उसके बाद मुझे बस इतना ही करना है। और उसके बाद यहाँ पर 5000 कॉइन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं कॉइन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, जैसे यहाँ पर मैं कॉइन के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर ये मेरा गिल्ड बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पर ये मेरा गिल्ड स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मुझे यहाँ पर साइन अप के जो बोनस वगैरह मिलते हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ से मैं बैक आऊँगा, बैक आने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हो सारी चीज़ आ चुकी है मेरी गिल्ड की। यहाँ पर क्या नाम रखा था मैंने, यूपी का लौंडा अपने गिल्ड का नाम रखा था, पहले तो आप आर्या रखा था, उसके बाद मैंने यहाँ पर नाम चेंज कर दिया यूपी का लौंडा। यहाँ पर एक चीज़ और, अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर आपके कोई गलती हो गई है गिल्ड के अंदर गिल्ड बनाते समय, तो आप यहाँ से इसे एडिट भी कर सकते हो। वो कैसे, ऊपर आपको एडिट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद जो भी चीज़ आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो अपनी गिल्ड की, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसे एडिट भी कर सकते हो अपने गिल्ड को। तो इसी प्रकार से आपके यहाँ पर गिल्ड बनके तैयार भी हो चुका है, और आप यहाँ से किसी को इन्वाइट वगैरह करना चाहते हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों आपके यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि फ्री फायर गेम के अंदर अपना खुद का गिल्ड कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और इसी प्रकार की नई नई इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फ्री फायर की आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।